जय माता दी। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सप्लोर द न्यू में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी। तो दोस्तों, आज हम वैष्णो देवी जाते जाते रास्ते में आपको कथा भी सुनाते चलेंगे। तो शुरू करते हैं जय माता दी। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में कई बुरी ताकतों ने धरती माता पर हमला शुरू कर दिया। इसको रोकने के लिए सभी देवताओं के त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए, लेकिन त्रिमूर्ति भी इस सब को रोकने में असमर्थ थे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पठानकोट। दोस्तों, जब त्रिमूर्ति भगवान सभी असमर्थ थे, तो इसको देखकर त्रिमूर्ति भगवान की जो पत्नियां थीं, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी और काली देवी, इन्होंने अपनी सामूहिक शक्ति से एक बालिका उत्पन्न की। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लखनपुर बॉर्डर। यहाँ के राम लड्डू तो खाने योग्य हैं, स्वाद आ गया खाके। तीनों देवियों के संगम से जो बालिका उत्पन्न हुई, उसको उन्होंने कहा कि आप रत्नाकर और उसकी पत्नी घर में जन्म लोगी, जो कि दक्षिण में रहते हैं। और उस बालिका को ये कहा गया कि जब उचित समय आएगा तो भगवान विष्णु आपको दर्शन देंगे और आपको अपने में समाएंगे। तो दोस्तों, अब हम जम्मू को क्रॉस कर रहे हैं। तो बालिका का नाम रत्नाकर ने वैष्णवी रखा। वैष्णवी ने बचपन में ही घर त्याग कर दिया और जंगल में तपस्या करने लगी। तपस्या के दौरान भगवान राम जब वनवास पे थे, तो वैष्णवी को मिले और वैष्णवी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो विष्णु भगवान का रूप है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को अपने में समा लो। तब भगवान ने राम ने कहा, अभी उचित समय नहीं है, जब उचित समय आएगा तो आपको मैं अपने में समाऊंगा। दोस्तों, रास्ता इतना जबरदस्त बन गया है कटरा का, एक के साथ एक इकट्ठी चार चार गुफाएं हैं। क्या जबरदस्त रास्ते हैं। तो भगवान राम ने वैष्णवी को सांत्वना दी कि उचित समय कलयुग में आएगा, जब तुम कालकी के रूप में अवतार लेगी। तो राम जी ने वैष्णवी कहा, तब तक तुम त्रिकुटा पर्वत के में ध्यान करो और वहां पर आश्रम स्थापित करो। तो माता वैष्णवी ध्यान में जुट गई और मानव जाति के आशीर्वाद के लिए काम करती रही। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, महागुरु गोरखनाथ जी को वैष्णवी और भगवान राम से संबंधित घटना का अभाव हुआ और जानने के आतुर हो गए कि वैष्णवी उस स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त हुई है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने अपने सबसे योग्य शिष्य भैरवनाथ को भेजा। भैरवनाथ ने देखा, वैष्णवी ध्यान लगाते समय जानवरों से घिरी रहती थी, खासकर शेर और वानरों से। गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी सुस्ती भी पड़ गई थी, तो सोचा क्यों ना यहाँ हवेली में रुके बरिस्टा में कॉफी पी जाए। जैसे कि एक पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था, यहाँ की कॉफी बहुत टेस्टी है।
तो भैरवनाथ ने जो वैष्णवी को देखा वो उन पर मोहित हो गया और वैष्णवी को शादी के लिए उकसाना शुरू कर दिया। तो इसी बीच वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर ने एक सामूहिक भोजन का आयोजन किया जिसमें सभी को आमंत्रित किया। जय माता दी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कटरा। नवरात्रे चल रहे थे जिसके कारण पूरा कटरा फूलों से सजा हुआ था। जय माता दी। भोज के दौरान भैरव ने वैष्णवी को पकड़ने का प्रयास किया तो वैष्णवी ने अपनी तपस्या जारी करने के लिए पहाड़ों में जाने का फैसला किया। दोस्तों काफ़ी रश था जिसके कारण हमने गाड़ी जो है रेलवे स्टेशन के पास पार्क की थी और वहाँ से हमने जो टोकन बनवाते हैं पर्ची बनवाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए तो वहीं रेलवे स्टेशन से बनवा ली थी हमने। तो हमने शुरू कर दी पैदल यात्रा। पहुँच गए हम बाणगंगा के पास स्थित एंट्रेंस है वहाँ पर। तो दोस्तों जैसे आपको कथा सुना रहा था माता वैष्णवी पहाड़ों में चली गई अपनी तपस्या करने के लिए लेकिन भैरव ने पीछा नहीं छोड़ा। माता वैष्णवी ने पहले बाणगंगा पर तपस्या की। दोस्तों ये है बाणगंगा। इस स्थान पर लोग नहाते हैं और यहाँ पर मुंडन सेरेमनी भी करते हैं लोग अपने बच्चों की। माता वैष्णवी पहले बाणगंगा रुकी थी वहाँ उन्होंने तपस्या की। उसके बाद चरण पादुका, अभी आप जो देख रहे हो ये चरण पादुका जगह है, तो इसके बाद चरण पादुका में माँ वैष्णवी रुकी थी लेकिन भैरव जो पीछा करता गया। अभी तो रास्ता इतना अच्छा बन गया है पता ही नहीं चलता। जगह जगह पर खाने के स्टॉल लगे हुए हैं, खाने की शॉप्स हैं, पानी के अलग अलग जगह पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठंडा पानी गर्म पानी और फ्रेश वाटर मिलता है आपको। दोस्तों चलते चलते जय माता दी करते करते हम पहुंच रहे हैं अर्धकुंवारी। ये अर्धकुंवारी का मंदिर है जहां पर माता वैष्णवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी गुफा में क्योंकि भैरव पीछे पड़ा हुआ था
तो उससे छुपने के लिए, तपस्या करने के लिए माँ वैष्णवी ने गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। अर्धकुंवारी मंदिर पूरा फूलों से सजा हुआ था, देख के आनंद आ गया। माता वैष्णवी अर्धकुंवारी में 9 महीने रहने के बाद अंततः पवित्र गुफा तक पहुंची, परंतु भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, इस कारण देवी उन्हें मारने को मजबूर हो गई। तो दोस्तों, यह है नया रास्ता। इस रास्ते से आराम से आप जा सकते हो, यहाँ से ना हाथी मत्ता आता है ना सांझी छत आती है। जो पुराना रास्ता था वहाँ तो बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इस रास्ते से जाते सीधा रास्ता है, समतल रास्ता है, ना चढ़ाई है ना उतराई है। जब भैरवनाथ ने माता का पीछा नहीं छोड़ा तो गुफा के दरबार पर उनका सिर काट दिया। भैरव का कटा हुआ सिर दूर पहाड़ी पर जा गिरा। अंत समय में भैरव ने क्षमा मांगी, तब माता वैष्णो देवी ने कहा कि जो भी यहाँ दर्शन करने आएगा तो भैरवनाथ के यहाँ पर दर्शन जरूर करेगा। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता गया, इसी बीच माँ वैष्णवी ने अपने मानव रूप को छोड़ने का फैसला किया और एक चट्टान को अस्तित्व मान उसमें हमेशा के लिए ध्यान मगन कर समाहित कर लिया। तो कहने में तो ये आता है माँ वैष्णवी अभी भी भगवान विष्णु का इस गुफा में इंतज़ार कर रही हैं, और इसीलिए जो भी यहाँ पर आके दर्शन करता है उसकी मन की इच्छा पूर्ण होती है। दोस्तों, माँ के भवन के इस भव्य दृश्य को देख के मैं तो सम्मोहित हो गया। क्या जबरदस्त फूलों के साथ सजाया हुआ था पूरा भवन माँ का, चारों तरफ फूल ही फूल, और खुशबू ऐसी आती थी फूलों की पूछो ना, जैसे इत्र गिरा हो। दोस्तों, पहले मैंने सोचा था नवरात्रों में क्यों जाना, बहुत रश होगा, लेकिन नवरात्रों में जाके तो आनंद आ गया। फूलों से सजा दरबार देख के माँ का बहुत आनंद आ गया। दोस्तों, अगर आप कभी नहीं गए तो एक बार ज़रूर दर्शन करके आएं, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी।
जो मांगोगे माँ वही देगी। जय माता दी दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये मेरा ट्रैवल ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, अगले ट्रैवल ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय माता दी, खुश रहिए।